नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर्स कॉर्नर में। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये देखिए, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आप इसे शाम की चाय के साथ या सुबह की चाय के साथ बना के तुरंत खा सकते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ना गेहूं का आटा, ना मैदा, सूजी, चावल का आटा और पोहा, लाई, मुरमुरे, मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करा है। और आप देखिए, देखने में कितने सॉफ्ट और टेस्टी लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो आप अगर इसे बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ये हमने चार आलू लिए हैं, इन्हें उबाल के छील लिया है और लिए है हमने ये खील। ये दिवाली पूजन के लिए जो खील आती है ये वही खील है, जब हम पूजन के लिए खील लाते हैं तो बच जाती है, तो उसी से ही हम ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं। धान के ऊपर का जो कवर होता है आप इसे निकाल दीजिए। और ये देखिए, मैंने निकाल के सारे अलग कर लिए हैं। गैस जला के पैन में खीलों को डाल लीजिए और थोड़ा सा हल्का रोस्ट कर लीजिए। धीरे धीरे चलाते रहिए। ये देखिए, 2 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो गया। और अब हम इसे अभी पैन में ही छोड़ देते हैं, बाकी हम और तैयारी कर लेते हैं। अब हम ये आलू लेंगे, ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। ये मैंने चारों आलू ग्रेट कर लिए। अब आलू को हम एक तरफ कर देंगे और जार लेंगे और जार में ये सारे जो हमने खील भून के तैयार करी थी इसको हम बारीक पीस लेंगे। ये हमने पीस के तैयार कर लिया। आप देखिए, बिल्कुल फाइन पाउडर हो गया है ये। और अब हम इसको आलू में मिलाएंगे। पूरा हम एक बार में नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, थोड़ा सा हम बचा लेते हैं। और आलूओं में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया, एक छोटी प्याज, आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ हींग, साथ में हम डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा कम भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा पिसा हुआ और लास्ट में जाएगा चाट मसाला, ये भी हम 1/4 चम्मच डालेंगे और ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप हाथ से ही मिक्स करिए, उससे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, मसाला भी पूरा चारों तरफ अच्छे से मिल जाता है। अब हम बाकी बचा हुआ भी डाल लेते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और आप देखिए, एक डो की तरह ये बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और आप कोई भी शेप दे दीजिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके की शेप दे दी, आप चाहे तो इसे गोल भी दे सकते हैं, कोई भी शेप दे दीजिए आप। इसी तरह से मैं सभी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सभी तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसे ब्रेड क्रम में इसे कोट कर लेंगे और फिर रख लेंगे एक साइड में। ये सारे स्नैक्स हमने ब्रेड क्रम में भी कोट कर लिए और अब चलिए हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस पर रख लीजिए कढ़ाई और उसमें कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए, फिर उसमें एक एक करके आप स्नैक्स छोड़ दीजिए। एक बार में आप ज्यादा मत डालिएगा और तुरंत करछली मत लगाइए, गैस की फ्लेम को हाई रखना है, आपको लो नहीं करना है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गया है और गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसे
सेपरेट कर लेती हूँ। एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम, और बाकी बचे हुए भी हम तेल में डाल देते हैं। ये लीजिए, मज़ेदार स्नैक्स हमारे तैयार हैं, और सभी हमने डीप फ्राई कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और आपको मैं दिखा दूँ कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी देखने में भी लग रहा है ये। आप किसी के भी आगे रखेंगे तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।